सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो यार तो बहुत बढ़िया होंगे। तो यार पिछले दो ब्लॉग आप लोग देख लिए होंगे और कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताना। अभी रेगुलर आ रहे हैं ब्लॉग, होप सो। तो यार अभी ये तीसरा ब्लॉग यहाँ का बन रहा है या चौथा, नहीं मालूम मेरे को, तीसरा ब्लॉग बन रहा है शायद तक। तो यार अभी का प्लान कुछ ऐसा है, अपन जा रहे हैं जाम सावरी जो कि एमपी में है ना। हाँ भाई, एमपी में। एमपी में है ना? हाँ, तो बस अपन एमपी में ही है, पर थोड़ा नाम का कंफ्यूजन हो गया था कि क्या है थोड़ा। हाँ, तो अपन जा रहे हैं वहाँ। तो कहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई ऑन द स्पॉट ना प्लान बना कि कहीं घूमने चलते हैं। तो पापा बोले चलो यहाँ चलते हैं, दिखा के लाता हूँ। तो मैं बोला चलो वाई नॉट, चलते हैं। तो अभी तैयार होते हैं और गाड़ी भी अपनी, घड़ी तो मैं पहने ही नहीं हूँ यार, ऐसे आदत हो गई है भाई इसकी। तो चलो अभी ना तैयार होते हैं, फिर गाड़ी आ रही है अपनी, तो नीचे पे मिलते हैं आपसे डायरेक्ट तैयार वायर होके। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और भाई आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल पे और लाइक करना वीडियो और शेयर भी करना। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं। सो गाइस मैं अभी पूरा तैयार हो चुका हूँ, देख सकते हो। और अभी बस गलती करना है फिर निकलना है, क्योंकि नीचे गाड़ी आ चुकी है। और आप लोग को बाहर चलते हैं क्योंकि टाइम लैप्स वगैरह है। मैंने आपको व्यू नहीं दिखाया है यहाँ का, तो चलो चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं भाई व्यू, क्योंकि सुबह का ना व्यू यहाँ का बहुत ताबड़तोड़ रहता है। और अभी वैसे ज़्यादा से कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको। और हाँ, तो अभी आप यहाँ का थोड़ा बहुत टाइम लैप्स इंजॉय करो, ठीक है? तो यार वो करता हूँ, आप लोगों ने टाइम लग देख लूँगा, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, दो तीन सेकंड का ही लिया था। और यार क्या हो गया, क्या हो गया, खुल नहीं रही है। तो अभी खोलते हैं यार, इसे शायद दिल्ली तैयार हो रही होगी इसलिए नहीं खोल रही होंगे दिल्ली। तो और यहाँ पे भाई एक और व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, पर पीछे का व्यू ना उतना खास नहीं जितना सामने का व्यू है। तो आपको दिखाता हूँ, देखो भाई उसी जाली गेट लगी, खुलती कैसी है? ये खुलती ही नहीं है, चलो शायद नहीं खुलती। हाँ, तो ये देखो भाई जाली गेट से ऐसी देख लो भाई, अगर खुलती होगी तो खुलवाता हूँ। नहीं यार ये नहीं खुलती है आंटी, ये खुलती है क्या? क्या ये खुलता है क्या? नहीं नहीं खुलता ना, चलो ठीक है। तो ये ऐसा है कुछ व्यू, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हो, है ना? तो ऐसा है। तो इसके पीछे शायद तक कुछ रोड गई है या कुछ बना हो। तो अभी चलते हैं नीचे क्योंकि गाड़ी आ गई है और मम्मी और दीदी अभी तक तैयार नहीं है, तो रुके हैं चलो। क्या बोलेंगे यार हम, इस लुक का अच्छा है भाई, पूरा तैयार हो गए ऊपर से नीचे तक, बस शूज़ पहनेंगे खालेंगे जाएंगे चलो। सो गाइस ये है भाई भाई इनका ब्लॉग, भाई मैं क्या बोलूँ इनका ना, देखो कुछ साइड नहीं था, मैं भाई अपने हिसाब से कपड़े पहन लिया था, है ना? और ये देखो देखो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, देखो ये क्या बोलते हैं कि ना, मतलब हम जहाँ जा रहे हैं जाम सावरी, वहाँ से फिर पूजा वाले घर में जाएंगे, मतलब जहाँ पे पूजा होगी भैया की। अरे रुक जा, वहाँ पे पागल हो गई, हैशटैग पागल लिख दो इसको नीचे कमेंट सेक्शन में। तो भाई वहाँ पे अपन जाने वाले थे पूजा में, तो अपन वहाँ से जाने वाले थे, कहाँ से? जाम सावरी से फिर पूजा वाले घर में जाने वाले थे। तो मेरे को मालूम नहीं था, तो मेरे को लगा कि आगे चेंज करके जाएंगे वापस, तो इन लोग बोलते कि डायरेक्ट वहीं जाएंगे। तो अभी मैंने पूरा कपड़ा चेंज किया वापस से और जाएंगे डायरेक्ट जाम सावरी। आप डायरेक्ट ज़्यादा चूचा पानी करूँगा, गाड़ी में मिलेंगे, चलो चलते हैं। तो यार अपनी गाड़ी आ चुकी है, चलो चलते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं। तो यार ले लिया चश्मा, ज़्यादा लग रहा है, तो बैठते हैं गाड़ी में हम चलते हैं। चलो भैया Oh,
अगर मिला समय तो यहाँ पे भी आएंगे। देखो सबसे बड़े हनुमान जी रहते हैं, देखो यहाँ है भैया। कितने फिट की है ये? 101 फिट की भैया बता रहे है ना, अब तो कट गया। देखो 101 फिट की है, अगर यहाँ पे समय मिला तो आएंगे जरूर एक बार। तो यार अभी तो अपन तो यहाँ पे अभी अपन सिलेवानी पहुँचे हैं, वहाँ की घाट दिखाओ आपको। तिरुपति जैसे क्यों? हाँ एकदम वो फील वैसी हो रहा है तिरुपति के लिए, है ना? ये घाटी है ना? हाँ क्यों? ब्लाइंड कट ही ब्लाइंड कट। ये देखो व्यू पॉइंट क्या? ये मतलब फोटो के लिए भी माना जाता है ना, जिसको फोटो लेना वो उतर के ले सकता है। तो यार गाइस यहाँ से अपन चालू हो गया अपना, ये देखो भाई ये दिया है, यहीं जा रहे अपन, है ना? तो आने वाला है या आ गया है। यार अपन तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे यार इसका यार मैं तो व्यू का फैन हो गया यार, सबसे बड़ा देखो सबसे ज़्यादा व्यू। एंड यहाँ पे देखो भाई फ्लैग अपना जो कि किसका है, हनुमान जी का, है ना? तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं भाई, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। अब लेटे हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो यार ये है यहाँ से लोकल जो भी है आप लोगों को लेना रहेगा। पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है यहाँ पे कि देखो भाई यहाँ पे हनुमान जी की जो पूरी वो है ना चालीसा लिखी हुई है, देखो सब सुख सला है तुम सिर करना तुम रख सकता हो पढ़ना, मतलब ये इसके आगे आगे लिखा हुआ है, आप मानते हैं पूरी चालीसा लिखी हुई है। देखो भाई ये देखो यहाँ पे भी है ना। एंड भाई यहाँ का जो ये है बेसिकली चमत्कारी हनुमान मंदिर बोलते हैं इसका नाम, है ना? जान सावरी में है, अगर आप लोग MP में आ रहे हो तो एक बार यहाँ आ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, है ना? ये है यहाँ का लोकल जो कि बेचते हैं सब लोग, सब जैसे आपको चाय बनाए तो पी सकते हो, ये आपको कुछ खरीदना है तो यहाँ से भी खरीद सकते हो। हाँ तो अभी चलते हैं अंदर एंड आपको वहाँ से पूरा सब चीज़ बताता हूँ। एंड पापा से भी पूछा था क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ खुद। पापा बताओ यहाँ के बारे में कुछ, यहाँ का जो मंदिर है हाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, और इस यहाँ पे क्या? बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। इसका सीधा सच्चा एक कारण है हाँ, कि जो मंदिर है हाँ, मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति जो है हाँ, वो एक हिसाब से चमत्कारी मंदिर है ऐसा। हाँ तो यहाँ पे कईयों के कार्य सिद्ध होते हैं हाँ, हाँ। और जैसे कुछ बाधाएं हैं मंदिर से वैसे ही दूर भाग जाती है, मंदिर में आदमी घुसता है उसके पहले ही निकल जाती है। चलो इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। चलो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या है यहाँ पे, तो अभी अंदर चलते हैं ना, आपको भी दर्शन कराते हैं तो आप लोग भी देख लेंगे, दर्शन हो जाएंगे आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगी भाई मेरे को, यहाँ पे पूरी चालीसा लिखी हुई है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मंदिर में ये यहाँ पे चौपाई पे लगी हुई है ना, चौपाई पूरी लिखी हुई है, सॉरी है ना, हाँ पूरी, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से अभी पूजा का सामान लेते हैं फिर चलते हैं। ये ले लिया अपन ने सामान, दिखाना दीदी, दीदी दीदी दिखाना, ये ऐसा है और ये सब के लिए चढ़ाने के लिए ये है सामान, है ना? तो आओगे तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो,
एंड मैंने यहाँ से लिया अभी। चलो चलते हैं अंदर। तो यार वो देखो बस तोड़ के जा रहे हैं भाई। ये देखो पूरे बंदर दिखे हो गए आपको क्या वालों। ये देखो जय श्री राम जय। चलो मम्मी चले देख ली। हनुमान जी के दर्शन भी कर रहे हैं हम लोग रास्ते में। ये यूनिक लगा क्यों अपने यहाँ ऐसा नहीं है क्या। चलो अभी चलते हैं अंदर। एंड मम्मी बहुत खुश है क्यों। मम्मी को फोटो खींचना है मेन बात। मम्मी इसीलिए क्यों हम जाम स्वामी के दर्शन करते हैं। फोटो तो वो हर जगह ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग की मम्मी भी अगर आप लोग की मम्मी भी रास्ते में रुकने बोलती है और फोटो खींचने तो एंजॉय करना। क्योंकि हमने रास्ते में नहीं रोके पर ये बता देते हैं एक ही बार एंजॉय किया। इसी वजह से मम्मी बीच में गुस्से हो गई थी हमसे। गाइस आप लोग वहाँ से आओगे तो यहाँ से आपको एंट्रेंस मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ये मेरे हिसाब से बन रहा है या बन गया है या रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं अभी कुछ पहली बार हार रहा तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। पर हाँ जो यहाँ से हैं वो नीचे कमेंट करके बताना कि मम्मी ये रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है कि अभी पहली बार हार मिलता था। चलो मम्मी करेंगे कई प्रकार के प्रोग्राम है पूजा पाठ है कलश है और पूजा पाठ आयोजन होता रहे मंदिर के लिए बड़ा जगह बनाया जा रहा है। चलो भाई ये तो आप लोगों को पता चल गया। यहाँ से ऐसे चलते हैं सीधा चल रहे अपन। यहाँ से गोल घूम के आना पड़ेगा फिर ऊपर। चलो फिर डायरेक्ट अब ऊपर में चलते हैं। सुबह एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे आप अपना रह भी सकते हो थोड़ा बहुत अगर आपको रहना है तो। देखो लोग भी है सुबह अपन पहुँच चुके हैं मंदिर और ये लिखा हुआ है देख सकते हो हनु नमः। तो है ना और यहाँ पे आप अपना जो भी मन्नत है वो आप बांध सकते हो। ये देखो डोरी है जो भी आप मन्नत बोलो इच्छा बोलो। तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर चली गई है आंटी एक मिनट है ना। अंदर चलते थोड़ा सा अगर शूट करने मिला तो पक्का करेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है नहीं करना कुछ भी। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है मन्नत। तो ये है मंदिर और वहाँ पर भी खुलेगा तो गाइस वो देख सकते हो वो है अपना हनुमान जी आपको दिख रहा होगा। तो चलो अभी मैं थोड़ा दर्शन करते फिर मिलते क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड भी नहीं है ज़्यादा। सो गाइस वो है देख लो। सो गाइस जिन लोगों को नहीं दिखा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से मम्मी पकड़ना। तो ये देख सकते हो भाई जी मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपको दिख जाए ऐसा है कुछ। सो गाइस दर्शन अपने हो चुके हैं पूरे और आपको भी मैंने दिखा दिया कैसा है मंदिर क्या है और मतलब उसके बारे में भी बता दिया है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग नीचे अब देखते हैं क्या होता है ना जो भी मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये है मंदिर का बैक साइड ऐसा है अभी चलते हैं। और ये है पाठशाला पत्नी किस चीज़ की चलो दिखाते हैं। अरे भाई पैर जल रहे हैं यार है ना देखो। सो गाइस यहाँ पे आंटी बता रही है कि यहाँ पे होता है भंडारा और 12 बजे होता है तो अभी 12:30 हो रहे हैं तो देखते क्या होता है। और ये पाठशाला है यहाँ पे जो अपनी इच्छा है वो सब करवा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम तो शायद आगे जा रहे हैं ना या रुकेंगे तो आपको दिखाऊंगा। सो भाई हम तो निकल गए हैं। मेक श्योर करना कि आप लोग जब गर्मी में आओ तो थोड़ा पास में ही अपने जो शूज़ है और सैंडल है उसको पास में रखना क्योंकि हम जो गोल घूम के गए थे ना तो पूरे मेरे पैर जो जले हैं ना भाई साहब मैं तो एकदम भागते और अभी भी जल रहे हैं पता नहीं शूज़ पहना फिर भी पता नहीं क्यों आगे आ रहा है। तो मेक श्योर करना कि वहाँ पे आप लोग जब भी रुको तो थोड़ा अलग ही माश है तो मेक श्योर करना कि आप लोग थोड़ा शाम टाइम में आओ या सुबह सुबह वैसे तो आप दोपहर में भी आ सकते पर दोपहर में बहुत गर्मी रहेगी और धूप रहेगी। सो गाइस
बस यहाँ से अपन ने ये धागा लिया है और वो पापा क्या क्या ले रहे हैं देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको जो कि आप बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे बोलते हैं गुड़ बेर, आप लोग ने खाया भी होगा। कलर बना देते हैं देखो दीदी भी दी है, मैं और पापा शेयर कर लेंगे। यहाँ पे गोला गोला बना है ना सर। अपना खाना पीना भी हो चुका है, जो जो अपन ने खाया गोला का ले लिया था मैंने, और अब जा रहे हैं डायरेक्ट घर या जहाँ पे पूजा वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहीं पापा का ही गाड़ी में चले चले चलो बैठ के पीछे। अरे यार सीट मम्मी ने, अच्छा दीदी पीछे जाएगी, यहाँ पे बैठ जाते हैं चलते हैं। चलो अभी रुके हैं बस स्टैंड में, और बस स्टैंड में क्यों रुके, इसके लिए ये अगर आप लोग ससुराल आते हो तो पोहा चना मोस्ट रिकमेंडेड है, एक नंबर फेमस चीज़ है नागपुर। कहाँ कहाँ का फेमस है मम्मी पोहा चना? ससुराल और नागपुर, नागपुर है ना, महाराष्ट्र का पूरा फेमस है ये, और एमपी से भी पूरा फेमस है। आ रहे हो ससुराल, और अगर बस स्टैंड आ रहे हो तो ये फेमस, या फिर यहाँ पे भी आप पूरा कहीं पे भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रिकॉर्ड पर ये खा सकते हो। गाइस कल आ गए थे और आपको बाल देख के समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ होगा, भाई आ गए रात में, रात हो गई थी क्योंकि कल पूजा वाले घर में भी गए थी तो आते आते 11-12 बज गए थे। तो हाँ, तो इसलिए मैं शॉट नहीं ले पाया था एंडिंग का, तो और मैं अभी व्लॉग एडिट कर रहा था अपना, तो देखा कि भाई मैंने तो व्लॉग एंडिंग ही नहीं किया, तो मैं अभी शॉट ले रहा हूँ उसी का। तो हाँ, तो गाइस ये वीडियो यहीं तक ही थी, और आप लोगों को बताना कि कैसा लगा, और मैंने पापा से भी आपको बताया था कि पापा से पूछवाया था कि कैसा था, क्या होता है वहाँ पे, तो बताना कैसा था। तो और भी कुछ जानकारी होगी तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। तो यार मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ भाई, जिसने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना @abhinav248 करके अपनी आईडी है इंस्टाग्राम पे, तो मैं अपडेट वहीं पे देता हूँ यार, फॉलो करो जाके। तो यार मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।